आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। अब मेले का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर गांधरबल के जरिए आज किया गया। ज़िले तरक्याती कमिश्नर गांधरबल जनाब शाहबीर सिंह ने आज जॉइंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट कश्मीर मोहतरमा जीनत आरा की मौजूदगी में DENCC गांधरबल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा जॉब फेयर का इफ्तिताह किया। तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों मुलाजमत के मुतलाशों को एक आसान प्लेटफार्म फराहम करने और उनकी तकरीरों के लिए आजिरों के साथ बातचीत में सहूलियत फराहम करने की कोशिश भी की। इस तक कि मैं ज़िले से मुलाजमत के मुतलाशों बेरोज़गार नौजवानों का ज़बरदस्त रद्द अमल देखने में आया। इस मौके पर DC गांधरबल ने आजरों मुलाजमतों के मुतलाशों के साथ बातचीत की और इस तरह के प्रोग्रामों के बेहतरीन मुमकिन नतायज के लिए उनकी रहनुमाई भी की। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ीक की खसूसी रिपोर्ट। इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। इफ यू हैव दैट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, दिस पाथ इज वेटिंग फॉर यू। आप लोग जो यूथ है ना, आपको पता है इंडिया में अभी जो रिसेंटली जब बजट स्पीच आया था फाइनेंस मिनिस्टर का, उन्होंने कहा हमारे पास चार कास्ट्स है। जैसे मोदी जी ने दिसंबर में कहा था कि अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है, वी हैव टू डेवलप दीज फोर कास्ट्स। व्हाट आर दोस फोर कास्ट्स? जो कि किसी को भी जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, या लोन चाहिए किसी प्रकार का, या बिजनेस का कोई आइडिया है जिसको वो बनाना चाहता है, इन सभी तरह के लोग एक सेंटर पर जाके वहां पे हमारी टीम बैठी रहेगी। हम लोगों ने सिडबी से भी बात की है, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जल्दी से, तो हमारी टीम बैठी रहेगी और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। वहां से आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको हम स्किलिंग भी दी जाएगी, और आपके बिजनेस को जो बढ़ाने के लिए जो XYZ चीजें चाहिए रहती है, जैसे अकाउंटिंग की मदद चाहिए रहती है, कभी लाइसेंसिंग की मदद चाहिए रहती है, कभी आपको यहाँ पर किसी कॉन्टैक्ट की मदद चाहिए रहती है, ये सारी चीजें भी एक सेंटर के अंदर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सो वी आर हियर फॉर अ पर्पस एज अ मास्टरपीस। आई एम गोइंग टू पुट 100% माय सिग्नेचर बिकम्स एन ऑटोग्राफ। माय distribution of certificates among the girls who have successfully completed the skill development course that was organized by DEEC in collaboration with the University of Kashmir. शफाकत अहमद भट्टी है, मैं कंगन वांगन से रहने वाला हूं। तो मेरे मुमकिन स्कीम में कागज भरे थे गाड़ी के लिए अनएम्प्लॉयमेंट दफ्तर में, मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे गाड़ी दी कि अपना रोजगार कमाने के लिए। के लिए मेरी यही गुजारिश है कि आप ये जो बुरे काम है इनसे दूर रहे, आके अनएम्प्लॉयमेंट दफ्तर में अपने डॉक्यूमेंट भरे और गाड़ी ले, आराम से काम काज कर सकते। कंगन वांगत में रहता हूँ, सदाकत अहमद भानी है नाम है मेरा। तो एक्चुअली ये जो मुमकिन स्कीम है इसकी बदौलत हमें ये गाड़ी मिली है, हमें रोजगार मिल रहा है। तो इसमें हमने अप्लाई किया था तो हमें ये गाड़ी मिली, आज इनकी बदौलत हम तो रोजगार चलाएंगे। मैं वो यही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली आपने अप्लाई करें इन गाड़ियों के लिए, फायदा है इनको, मुमकिन स्कीम से बहुत फायदा मिलने वाला है। चाहते हैं कि आप डिपेंडेंट मत रहे, आप इंडिपेंडेंट रहे, आप आइए मुमकिन स्कीम में आए, अपना ये फॉर्म वार्म भर दें और इसका फायदा उठाइए ताकि यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाए। किसी भी तरीके से इंसान को डिपेंडेंट नहीं बनना चाहिए। ट्रबल में यहाँ पर हमारा मेगा जॉब फेयर हुआ है जिसमें 1200 वैकेंसीज के साथ में 15 हमारी कंपनियाँ आई हैं। इन कंपनियों के स्टॉल्स का भी मैंने देखा है और इनके पास में एक हम लोग सिस्टम भी रख रहे हैं जिसमें कि ये जो एप्लीकेशन दे रहे हैं लोग रेज्यूमे, उनके हम लोग विद इन अ वीक हम लोग रिवर्ट करेंगे कि उनके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। और ऑन स्पॉट अभी तक हम लोगों ने 6 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं, 6 लोगों को जॉब ऑफर भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। तो मैं सभी लोगों को जिनको जॉब मिला है उनको मैं बधाई देता हूँ।
अभी हम लोगों ने पिछले साल हमारे पास टोटल कुल 10,000 का आंकड़ा था जो कि हमारे एम्प्लॉयड थे, जिसमें से 2,500 लोग हमारे फर्स्ट राउंड के अंदर ही हम लोग जॉब दे चुके हैं। उसके बाद कई मल्टीपल राउंड्स लगे जिसमें हम लोगों ने, हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने हमारी बड़ी मदद की है, जिसके अंदर की कई सारे लोगों को यहाँ पर जॉब दिया गया है।